वो विद्यार्थियों ने रोक रही है कैंपस के मायने को जाबा दे रहे हो ताला दे रखे रगड़ के मांग मनवा लेंगे हम। डर तो है इसी के कि टाबर की कर सके आदेश की मिलियो था ना आदेश जो है वो बताओ मतलब अनऑथराइज्ड बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। सेमेस्टर की जगह फीस बढ़ाई है बिन कम करियो जाए सिक्कर झुंझुनू और निमका थाना का लाखों विद्यार्थी अठे पटबा की खातर आमी। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि साहब आप इतने खूबसूरत नहीं हो जो हम आपको देखने के लिए या सेल्फी लेने के लिए आए। चोर दरवाजो ओबीसी आपकी खातर बना रहा क्यों है बेरोई गुण पटबा दे टूरकणा से छापड़े रमाए बड़ा है अरकणा से पाछो निकले तो नहीं आया विषय बचेगी नए विषय की चड्डी बचेगी। हम कोई लाइन ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते जयपुर में मेन सीकर रोड पर इंपीरियल उत्सव लाया है घर खरीदने का सुनहरा मौका। आज ही बुक कराएं सभी सुविधाओं के साथ जेडीए अप्रूव्ड घर विद्याधर नगर से मात्र 7 मिनट की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9785571000। राम राम जी मैं सृष्टि झलको सीकर पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अपा कटरा थल के अंदर जो यूनिवर्सिटी है शेखावाटी यूनिवर्सिटी है अठे मौजूद हा। अठी जगह युवा लड़का ही प्रदर्शन जको है भी करे जा रहे है क्योंकि कारण यो है कि फीस जकी है वह बढ़ा दी गई है। अपने साथ में मौजूद ही विजेंद्र डाका जी पूरो जको मामलो है वो जानांगा। मामलो जको फर्स्ट ईयर का जका विद्यार्थी है शेखावाटी विश्वविद्यालय का बाकी जो सेमेस्टर का जो पहली बार चालू हुआ है और भी का पहला सेमेस्टर का परीक्षा का फॉर्म भरिया जा रहे हैं बाकी पहली आज तक की पूरी साल की फीस 1100 रुपया ही और अब भी फीस ने 1300 रुपया कर दी भी का बाद में अलग शो इनरोलमेंट का जगह 300 रुपया बढ़ा के और कर दिया। जो प्राइवेट विद्यार्थी है भी की 1900-2000 रुपया 2100 रुपया फीस कर दी ये तरीकों प्रैक्टिकल की फीस बढ़ा दी। अठे जो पटबान जो विद्यार्थी है वो किसान मजदूर को विद्यार्थी आवे और वो मेहनत मजदूरी कर पड़े इसलिए मैं लगातार मांग कर रहा हूँ कि फीस ने जकी है सेमेस्टर की जकी फीस बढ़ाई है बिन कम करियो जाए सिक्कर झुंझुनू और निमका थाना का लाखों विद्यार्थी अठे पटबा की खातर आवी और बाकी रोजी रोटी को संकट है भी का बावजूद वह पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन ए जो नयू विषय आयो है और जिस तरीका वो तुगले की फरमान जारी कर रही है वो तो अठे तक कह है कि टाबर मनार आ बात नहीं की कि फीस कम करो इसलिए गेटा का ताला लगा रखे ही वो मायने ऐश और आराम का मायने वो इठर चला रहे बैठे है। मैं लगातार प्रदर्शन कर रहा हूँ अठे भी प्रदर्शन कर रहे हैं कॉलेजा माए ज्ञापन दिया ही कल कॉलेजा का मायने पुतला बालिया आज विश्वविद्यालय पर पुतलो बालियो है और अब वाला टाइम में मैं अनोख चेतावनी भी देना चाहवा हाँ कि मैं लड़ाई विद्यार्थियों का हित में लड़ावांगा फीस पाछी भी करावांगा नाक रगड़ा रहे और रुपया पाछा भी दिलावांगा। लड़ाई चाहे कती लंबी चाल है हर एक कड़ी के मायने मान आबाला टाइम का मायने जरूरत पड़ी तो मैं विश्वविद्यालय का विषय का आवास को भी घेराव करांगा। जे तरीका वो विद्यार्थियों ने रोक रही है कैंपस का मायने कौन जाबा दे रहे हो ताला दे रहे हैं ताला जो कहीं भी क्यों लगा रखे हैं बिको पीछे को जो को कारण है वो की है ताला ही खातर लगा रखे हैं कि विद्यार्थी मारतक ना हो विद्यार्थी आपकी समस्या जो की है बिहू अवगत मान न करावे मान सुननी नहीं पड़े। अब विद्यार्थी मान जावा को तो आज जवाब देना पड़ेगा की फीस थे क्यों बढ़ाई लेकिन है तो अठे तक के ताला दे दिया की मान को यार बतावे ही नहीं। हाँ जहाँ राजा बैठे हुए है राजा का पहली पहरेदार खड़िया मीर जहाँ बस पुलिस ने कर देर की बाहर ही लेकिन वो कती पुलिस खड़ी कर ले कताई ताला दे ले जरूरत पड़ी तो है ताला तोड़बा को काम विद्यार्थी करेगा क्योंकि ऐसे पाई को हमेशा इतिहास रही है वो कोई दहेज का मायने को ले रहे हो विषय है जो आ विद्यार्थी जी की ऐसे पाई की जी लड़ाई है एक एक विद्यार्थी के खून पसीना की कमाई हुआ विश्वविद्यालय बने हुए और न कि वो एक है खुद को वो विद्यार्थियों को है विद्यार्थियों के लिए है आज की लड़ाई है आ लड़ाई लंबी जावेगी। आज विश्व को पुतलो मेठे पुंकियो है आ बड़ा टाइम का मायने मीटिंग कर बहुत बड़ा स्तर के ऊपर बहुत बड़ो मूवमेंट खड़े करांगा ये विश्व नाक रगड़े और पाछी खानी पड़ेगी और विद्यार्थियों की जीत होगी। हम आपके माध्यम से ये चेतावनी देना चाहते हैं विशी साहब को कि विशी साहब ये विश्वविद्यालय है ये विश्वविद्यालय 22 साल हमारे से बड़े भाई बहन जो यहाँ फटे श्री कल्याण कॉलेज में झुंझुनू कॉलेज में उन्होंने लड़के मुग्ध में खा के रोड जाम करके बड़ी बड़ी सरकारों को झुका कर फिर ये मिला है ये विश्वविद्यालय कोई खैरात में नहीं मिला है विद्यार्थी को यहाँ के विद्यार्थी ने लड़के लिया है। एक तो सरकार देती है एक 22 साल का लंबा संघर्ष उस संघर्ष की जीत ये विश्वविद्यालय 2012 में हमको मिला था। हम 27 तारीख से आंदोलनरत है लेकिन वीसी बात नहीं सुनना चाहता और तुगली की फरमान ये जारी करता है कि अनुमति लो
अब विद्यार्थी अनुमति लेगा, आप मेरे को ये बताइए, कोई भी राजा है, कोई भी सरकार है, उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन करेगा वो सरकार अनुमति दे देगी? कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि मेरे कोई मुर्दाबाद जिंदाबाद। अनुमति से की है भी की कन लेबा के लिए कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हमसे आप अनुमति लो कि आप प्रदर्शन करेंगे, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरे खिलाफ प्रदर्शन हो, ये कैसे देंगे? तो हम अनुमति लेना नहीं चाहते। वो ऐसे कहते हैं हम मिलना नहीं चाहते। तो हम भी ये कहना चाहते हैं कि साहब आप इतने खूबसूरत नहीं हो जो हम आपको देखने के लिए या सेल्फी लेने के लिए आए हैं, हम विद्यार्थी की डिमांड लेके आए हैं और वो डिमांड आपको माननी पड़ेगी, इस सेमेस्टर नहीं अगले सेमेस्टर, लेकिन आपको रगड़ के मांग मनवा लेंगे हम। तो यो ताड़ो जो है यो क्यों लगाया जा रहे है भाई? मान जगह वीसी अंदर बैठे हैं, बातचीत करनी है। हाँ करवा दीजिए मैडम, बात आपका समाचार पहुंचा देंगे, वो जब बोलेंगे तो आपको भेजेंगे। तो ताड़ो क्यों लगाया जा रहे है? पहले तो मन इस चीज को जवाब जो है, तो जो आदेश मिलेगा वैसे ही करेंगे। पहले हम कभी लगाया था क्या? आदेश की मिलियो था ना, आदेश जो है वो बताओ। मतलब अनऑथराइज बच्चे यहाँ नहीं आ सकते, मतलब जो उनका काम होगा बाहर खिड़कियों में सब काउंटर लगा दिए। अच्छा, काम होगा तो कोई बात से मिलनो चाहे तो क्या मिलेगो? फिर बात कराओ, बात कर लियो और जो बुलाऊंगा तो। कारण है तो ताड़ो लगायो? कारण ये है कि सब भीड़ करते हैं अंदर, तो इसलिए उनका खिड़की बाहर से खोल दिया गया है, वहाँ से हर सामान हर चीज का उत्तर वहाँ से मिलेगा। अच्छा, तो भाई इसे पहली बच्चा जगह ही पे बता रहे हैं कि इसे पहली जगह है ताड़ो कदे लागियो ही को नहीं आ कहना का, तो बाद में जगह पहले दूसरे थे बिशिर, अभी दूसरे। भविष्य को कहना चाहते हैं कि ये सेकोरिटी का विद्यार्थी है जो लड़ाई को अच्छी तरीके से लड़ना जानता है। उन्होंने बहुत सारे विषय के पहले भी घुटने ठिकाने का काम किया है। आप कैसे वो आरएसएस के चड्डे पहन करके कैसे मुकालते में ना रहे हैं? ये विद्यार्थी शांति पूर्वक अपने हकों के लिए अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा है, आपको शांति पूर्वक तरीके से ये एहसास करवा रहा है कि जो बढ़ाई गए फीस है वो नाजायज है, उस फीस को कम करने का काम करे, जिस ऐश और आराम के साथ जिस तालाबंदी लगा करके आप उस महल के अंदर बैठे हो, यह महल भी हर एक विद्यार्थी के उस खरी कमाई से बना हुआ महल है साथियों। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो ये विषय ने ताला लगा के अंदर बैठा है, जब भी इस ताले को तोड़ने का काम करेंगे तो नई आय विषय बचेगी, नए विषय की चड्डी बचेगी। हम कोई लाइन ऑर्डर नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन जब भी मुकाबला होगा अगर फिर भी विषय नहीं झुकता है तो लड़ाई यार पार की होगी, उसके पिछड़ने वाले हम लोग नहीं है। इसलिए साथियों आज का हमारा यह प्रोटेस्ट, हम विषय का पुतला दहन करेंगे। चोर दरवाजो ओबीसी आपकी खातर बना रखे है, बेरोई गुनफड़बा दे टूरकणा से छपड़े रमाए बड़े है, अरकणा से पाछो निकले बालना के ताला लगा दिया, अब कोई भी जाए बठूर जनाब भी खेदी विषय एडोई को नहीं विषय की एडोई को नहीं। अब बार थान देकर माइक ने देकर मीडिया ने देकर मन देकर अठे ते पेड़ ऊपर एडो पाछो भागो आ गाड़ी भी की खड़ी है क्योंकि ए अपन पकड़ सी डर तो है विषय के कि टाबर की कर सके हैं, और मैं आखा विषय ने कि मैं किया बिना की गुन करा, मैं कर तो क्यों सका हाँ, लेकिन मैं केयर करा, इसलिए मैं टाबरा के फीस कम करा, मारा विषय कोई भी कोई लड़ाई को नहीं, लेकिन मैं विद्यार्थियों की लड़ाई नहीं लड़ा, विद्यार्थियों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हाँ, और अब विद्यार्थियों के साथ जो गलत हो रही है बिक लिए भी मैं संघर्ष कर सिया, और ये संगठन की एस एफ आई की बतावांगा कि आ एस एफ आई है अबड़ा टाइम में चोर दरवाजा और भी विश्व माए ने घुसबा गुंदा में ठीक है। वीसी हाँ बन कॉल भी करियो है आपा, बे कॉल जको है बे उठायो को नहीं है, पीछे ताड़ा जगह ही अभी तक लाग रही है, और अब जगह ही बे अया कह रहे हैं कि भाई वीसी साहब जगह ही भी अठे मौजूद को नहीं, बे जा चुके हैं, तो भाई की जनता ही युवा लड़का भी यो वीडियो जो देख रहे हैं, बाकी के राय है कि नहीं तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना है, और भाई वीडियो जो है ज्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना।